सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज की सेक्शन में हम लोग मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लाभ और हानि, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ एवं हानि चैप्टर में देखिए, जो भी डिफिनेशंस होगा, जो भी फार्मूला होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, और साथ ही साथ इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल होगा उसका भी स्टडी हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे साथ वीडियो में बने रही अंत तक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूले का स्टडी करते हैं कि लाभ और हानि चैप्टर में जो भी फार्मूला होता है उसका स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद से टॉपिक वाइज एक एक न्यूमेरिकल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लाभ और हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, इसमें पहला जो फार्मूला है वो है क्रय मूल्य, मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे जो भी वस्तु को खरीदते हैं तो जो पैसा देना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। और इसका जो फार्मूला होता है, एक्स परसेंट लाभ होने पे क्रय मूल्य वस्तु का क्या होगा, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस एक्स होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होती है, जो वस्तु बेची जाती है, किसी वस्तु को बेचने पर जो मूल्य मिलता है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो एफ फार्मूला नंबर फर्स्ट था। सेकंड देखिए क्या है कि एक्स परसेंट हानि होने पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका जो फार्मूला होता है वो तो विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस एक्स होता है। तो दो फार्मूला आप लोग याद रखिए। देखिए, अब उसका नेक्स्ट क्या है कि यदि हम लाभ की बात करें, किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रहा है, तो लाभ को कैसे निकालेंगे, तो लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो बेचने पर जो मूल्य मिला है और खरीदने पर जो मूल्य मिला है उसको विक्रय मूल्य से क्रय घटाएंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक, बात करें हानि का, तो हानि का जो फार्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और उसके बाद बेच रहे हैं, तो खरीदा गया मूल्य और माइनस बेचा गया मूल्य निकालेंगे तो हमको हानि मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला का आप लोग स्टडी कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य देखिए क्या है, एक्स परसेंट लाभ होने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य इंटू 100/100 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स परसेंट हानि होने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसका जो फार्मूला है वो है क्रय मूल्य इंटू 100-X/100 है। ठीक, यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि एक्स परसेंट लाभ होने पे प्लस रहेगा बीच में और एक्स परसेंट हानि होने पे माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला का स्टडी करते हैं, परसेंटेज लाभ, मतलब प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ इंटू 100/क्रयमूल इंटू परसेंटेज, वो आ जाएगा। ठीक है, बात करें हानि का, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हानि इंटू 100/क्रयमूल परसेंटेज। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर का फार्मूला, और इसके बेस पे हम लोग 2-3-4 न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का स्टडी करते हैं। यदि देखिए आपको फार्मूला नोट करना चाहते हैं तो अपने नोट बुक में आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको शायद ये फार्मूला याद हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए न्यूमेरिकल नंबर वन है, कह रहा कि एक घोड़ा रुपया 1232 का बेचकर मैंने 12% लाभ कमाया, तो मैंने घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको फार्मूला का ज्ञान मालूम होना चाहिए। तो देखिए फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य का जो फार्मूला है वो होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100% 100+ लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं फाइनली आंसर कितना मिलता है हमको। ठीक है, तो क्रय मूल्य का जो फार्मूला है देखिए क्या है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100+ लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य देखिए क्या है, विक्रय मूल्य दिया 1232, यहाँ रखेंगे 1232 इंटू 100/ अब देखिए ये हो जाएगा 100+ अब देखिए कितना परसेंट लाभ कमाया, 12%, तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो जब इसको क्या करेंगे कि 1232 इंटू 100 जब करेंगे तो क्या होगा, इसमें 00 ऐड हो जाएगा अपान नीचे हो जाएगा। अब देखिए 12 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा आंसर आएगा, वो आएगा 1100 रुपया।
और ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एक घोड़ा का मूल्य 1232 रुपया है, जिसको बेचकर मैंने 12% का लाभ कमाया, तो मैंने घोड़े को कितने रुपए में खरीदा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य का जो फार्मूला वह विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत है। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया गया उसको पुट कीजिए, विक्रय मूल्य का मान देखिए कि दिया कितना 1232 × 100 हो जाएगा। अब 100% अब प्रतिशत लाभ देखिए यहाँ पर दिया कितना 12%, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना कि जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 ऐड हो जाएगा, और नीचे क्या करना है कि ये प्लस करना है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 100 में जब 12 जोड़ेंगे तो 112 होगा, सॉरी ये होगा 112। अब जब 112 का इसमें डिवाइड कीजिएगा तो फाइनली आपके पास में आंसर आएगा 1100 रुपया, ये इसका क्रय मूल्य का आंसर होगा। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जो यहाँ पे मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किए हैं लाभ और हानि। तो देखिए पार्ट वन में हमने स्टडी किया था कि लाभ और हानि में जो भी बेसिक फार्मूला होता है उसका स्टडी हमने किया था, ठीक है। लेकिन पार्ट टू में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि उसके बेस पे 2, 3, 4 न्यूमेरिकल का हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए आते अपने टॉपिक्स पे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए इस सेक्शन में हम लोग 2 न्यूमेरिकल का स्टडी करने वाले हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का स्टडी करते हैं सबसे पहले, और न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि कोई वस्तु ₹60 में खरीदी जाए और ₹80 में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, और इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई, ठीक है। तो फार्मूला सबसे पहले हमको याद होना चाहिए, यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट वन देख लीजिए, वहाँ पे आपको बेसिक जो भी फार्मूला था वो बता दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है क्वेश्चन में दिया है कितना, 60 रुपया, तो हमने नोट कर लिया, ठीक। वस्तु का विक्रय मूल्य देखिए कितना दिया है, 80 रुपया, तो इसको भी हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो यदि हम क्या निकालें इसका, बस सबसे पहले लाभ निकालें या हानि निकालें, तो लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तभी तो मालूम चलेगा कितने प्रतिशत की लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो यदि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकालें तो देखिए 20 रुपये का हमको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत लाभ इक्वल टू उसका फार्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य होता है। तो लाभ का मान देखिए 20 रुपया है, इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य का मान कितना है, 60 रुपया। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास में फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 33.33%, और ये इसके फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड का स्टडी करते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर थर्ड में ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मकान रुपया 3800 में खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, तो मकान का विक्रय मूल्य क्या होगा, और इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो चलिए इसका स्टडी करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं, और फार्मूला क्या है कि क्रय मूल्य देखिए क्वेश्चन में दिया कितना, 3800 रुपया दिया है, ठीक, यहाँ पर देखिए, और कितने प्रतिशत लाभ है, 5% का लाभ पर क्या करता है, तुरंत बेच देता है। तो विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य और ब्रैकेट में 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपान 100 होता है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। क्रय मूल्य का मान देखिए कितना है, 3800 रुपया, ये हो जाएगा 3800, और देखिए 100 प्लस लाभ कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 5% हो रहा है अपान 100 हो जाएगा, और देखिए 20 से 20 क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 100 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 105 होगा, और जब 105 का 38 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 3990 रुपया। न्यूमेरिकल नंबर फोर का स्टडी करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फोर देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। और सॉल्यूशन करने से पहले हम इसका क्या बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, विक्रय मूल्य। तो फार्मूला बनाते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य का 110%, क्रय मूल्य का 110%, तो यही इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे,
450 रुपया है, तो ये हो जाएगा 450 इंटू, अब देखिए 110% है, ये हो जाएगा 110 और परसेंटेज मिस क्या होता है 100 होगा। इसको और डिवाइड कीजिएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इससे भी कट क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए 45 का 11 में गुणा कीजिएगा तो एक आपके पास में जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 495 रुपया, और इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो आपको शायद एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो क्वेश्चन कह रहा कि एक वस्तु को रुपया 450 में खरीदा गया है और 10% लाभ पे उसको क्या क्या बेच दिया जा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा आपको फाइंड करना था। तो नॉर्मली क्या करिए, देखिए फार्मूला बनेगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा क्रय मूल्य का 110%, और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए क्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है कितना 450 रुपया, तो हो जाएगा 450 का 110% मतलब 110/100 हो जाएगा, और इसको और डिवाइड कीजिएगा तो फाइनली आपके पास में जो आंसर आएगा 495 रुपया, और ये फाइनली इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा।